सुप्रभात। आज मैं आपको पत्र लेखन की कला के बारे में बताने जा रही हूँ। पत्र लेखन एक तरह की कला है। यह समाज में संबंधित व्यावहारिक एवं समाज से संबंधित एक व्यावहारिक एवं अत्यंत उपयोगी कला है। आजकल लोग पत्र के स्थान पर दूरभाष, फैक्स आदि का प्रयोग करने लगे हैं, किंतु पत्रों का अपना अलग ही महत्व है। मौखिक रूप से की गई बात भुलाई जा सकती है, पर समझने में गलती भी हो सकती है। यदि मौखिक रूप से कुछ बात कही जाए तो हो सकता है समझने में गलतियां भी हो जाएं, लेकिन लिखित पत्र व्यवहार जो किया जाता है वह ऐसा है कि उसमें ऐसी गलतियां होने की संभावना नहीं होती है। और फिर फैक्स तथा दूरभाष की जो सुविधाएं हैं वह सब जगह उपलब्ध भी नहीं होती हैं, इसीलिए पत्र का एक अपना अलग ही महत्व है। यदि तकनीकी हो जाए, यदि किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ियां हो जाएं, तो पत्रों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि उस समय तकनीकी गड़बड़ी होने की वजह से हम इन इलेक्ट्रॉनिक साधन का, जैसे कि फैक्स है, दूरभाष है, इनका हम सहारा नहीं ले पाएंगे। अतः हमारे जीवन में पत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र लेखन एक कला है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि पत्र लेखन एक तरह की कला है। आज के व्यस्त युग में भी व्यक्ति पत्र लिखने के लिए समय निकाल ही लेता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। हम SMS की कर सकते हैं मोबाइल में, परंतु ये SMS टिकाऊ नहीं होते, ये बाद में समाप्त भी हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। लेकिन पत्र को हम एक धरोहर के रूप में संजो के रख सकते हैं। आज के इस व्यस्त युग में भी व्यक्ति पत्र लिख ही लेता है, और इसका महत्व इसी कारण और भी अधिक है। आज मानव को प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों आदि से संपर्क रखना पड़ता है। हर स्थान पर वह स्वयं तो नहीं जा सकता, और इसीलिए अपना संदेश भेजने हेतु उसे पत्र का सहारा ही लेना पड़ता है। कार्यालयों में तो यह काम करने का अनिवार्य अंग ही बन गया है। अतः पत्र लेखन अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण कला है। इसे अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है। अब आपको मैं बताती हूँ पत्र लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। लिखते समय हमें किन-किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम है, पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो पत्र लिखा गया हो उसकी भाषा ऐसी हो जो सरल हो, सुबोध यानी बोधगम्य, जिसको इंसान आसानी से पढ़ के उसका अर्थ समझ सके, और स्पष्ट यानी कि इतना दुरूह भाषा न हो कि उसे लोग समझ न पाए और पढ़ते ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। अतः सबसे पहला और मुख्य पहली और मुख्य बात यह है कि पत्र की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। सब अच्छे पत्र की यही निशानी है कि
एक अच्छे पत्र में भाषा अत्यंत सरल होती है, भाषा बोधगम्य होती है और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में वह लिखी गई होती है। दूसरा इसका मुख्य दूसरी इसकी बात है इसकी इसका मुख्य बिंदु दूसरा है जो अब हम बताने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे पत्र यदि आप कार्यालय के लिए लिख रहे हैं, दूसरा बिंदु इस प्रकार है कि मूल उद्देश्य स्पष्ट हो, यानी कि पत्र जो लिख रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, किस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य यदि स्पष्ट नहीं होगा तो पत्र पढ़ने वाले के अंदर एक जिज्ञासा नहीं होगी और कई बार ये नीरस होने के कारण लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। तो इसीलिए हमको प्रारंभ में ही कुछ उसका विषय या ऐसा लिख देना चाहिए कि उसका उद्देश्य स्पष्ट हो, यानी कि पत्र देखते ही व्यक्ति ये समझ ले कि यह पत्र किस उद्देश्य से लिखा गया है। विशेष रूप से कार्यालयी पत्र में इस बिंदु पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्यालयी पत्र में आप जिसे पत्र भेज रहे हैं वह आपसे अनजान है और आपके पत्र को वह रुचि लेकर नहीं पढ़ेगा। समय की व्यस्तता और समय अभाव के कारण वह अपने काम को जल्दी निपटाने हेतु आपके पत्र को पूरी तरह से पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए आप सबसे जरूरी बात यह है कि पत्र लिखते समय ये ध्यान रखें कि पत्र लिखने का मूल उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो। जैसा कि हम लोग कार्यालयी पत्र में जब लिखते हैं तो विषय लिख देते हैं, जिस विषय पे आपको अपना ध्यान आकर्षित करवाना है उस विषय को एकदम विषय के रूप में आगे ही लिख लेते हैं, शुरुआत में ही लिख देते हैं, तो जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है पत्र लिखने का वह स्पष्ट हो जाता है। तीसरी बात इसमें मुख्य यह है कि पत्र के प्रेषक के नाम एवं पते का तथा पाने वाले के नाम एवं पता का स्पष्ट पाने वाले के नाम एवं पता की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। तीसरा है कि प्रेषक यानी जिसे पत्र प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है और पाने वाला यानी जिसको पत्र लिख रहा है उसका नाम और पता हम स्पष्ट रूप से लिखें ताकि पत्र आसानी से पहुंचे और पत्र पाने वाले को भी ये समझ में आ जाए कि प्रेषक कौन है यानी पत्र भेजने वाला कौन है। अतः अब हम तीसरे बात की ओर ध्यान देंगे कि पत्र के प्रेषक के रूप में उसका नाम और पता, पत्र के प्रेषक का नाम और पता एवं पाने वाले का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे पता और नाम यदि स्पष्ट लिखा रहेगा तो पत्र पहुंचने में आसानी होगी। इसमें चौथी मुख्य बात यह है कि हमें पद का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। माने यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्र लिखने जिसके पास हम लिख रहे हैं पत्र उसके पद के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार हम एक शिष्ट भाषा का प्रयोग करें जिससे कि पत्र पाने वाला आहत न हो। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पत्र पाने वाले का पद क्या है और उससे हमारा संबंध क्या है, और इस पर ध्यान रखते हुए पद एवं उसके संबंध पर ध्यान रखते हुए हमें हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो मुख्य रूप से
चार बातें अभी आपको हमने बताई। पहला है पत्र की भाषा सरल एवं सुबोध एवं स्पष्ट हो। दूसरी बात यह है कि पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो। तीसरी बात यह है कि पत्र का जो प्रेषक है और पत्र पाने वाले का नाम और उसका पता स्पष्ट लिखा गया हो। चौथी बात यह है कि हमें पत्र पाने वाले के पद का ध्यान रखना चाहिए और उसके पद का ध्यान रखते हुए हमें शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और अब आपको अगला बताती हूँ। अगला इसमें मुख्य बात है कि पत्र हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा गया होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला पत्र पढ़कर ऊब भी सकता है, उसके पास समय की कमी भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्र जो लिखा गया हो वह अत्यंत संक्षिप्त हो, आपकी बात पूरी रहे, आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, परंतु आपका लिखा गया पत्र अत्यंत विस्तृत न हो। आप संक्षेप में पत्र को लिखें, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अगली मुख्य बात यह है कि पत्र लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि पत्र में जब हम जिस लिखावट में लिखते हैं वह लेख सुंदर एवं स्पष्ट हो। पत्र जब हम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए कि पत्र का जो लेख है वह सुंदर एवं स्पष्ट हो। यानी पत्र हम जब लिख रहे हैं तो उसकी लिखावट सुंदर हो और वह स्पष्ट हो। इसका कारण ये है कि पत्र जिसे हम लिखते हैं, अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, तो पत्र पढ़ने वाला उसे मन से नहीं पढ़ेगा, और अगर स्पष्ट नहीं होगी तो वह पढ़ नहीं पाएगा, जिससे आपका मकसद पूरा नहीं होगा। आप जिस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं वह आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आपकी लिखावट सुंदर ना हुई और स्पष्ट ना हुई तो, क्योंकि स्पष्ट अगर लिखावट स्पष्ट होगी तो पढ़ने वाला उसकी एक प्रथम दृष्टया ही उसे पढ़ लेगा, और स्पष्ट होगी तो वह बोधगम्य भी होगी और उसे आराम से व्यक्ति पढ़ लेगा और समझ लेगा। अगला है इसका अंतिम जो इसकी बिंदु है वह है पत्र लेखन के पश्चात पढ़ना आवश्यक। पत्र पूरा हो जाए, पत्र लेखन अगर पूरा हो जाए तो पत्र को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाषा लिखी गई जो भाषा होती है उसमें कभी कोई विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम ये सब छूट जाता है, जिससे कि वह भाव बदल सकता है, उसका अर्थ बदल सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पत्र हमेशा पूरा हो जाने के बाद, अगर लेखन कार्य पूरा हो गया हो तो पत्र हमेशा पढ़ लेना चाहिए, जिससे उसमें कोई गलती शेष न रह जाए। तो इस प्रकार पत्र लेखन के मुख्य कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान दिलाया। सबसे पहला है, एक बार पुनः उसकी पुनरावृत्ति करवाती हूँ। सबसे पहला है कि पत्र की भाषा सरल सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है कि पत्र का मूल उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र किस उद्देश्य से लिखा गया है ये स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। तीसरा इसका है कि प्रेषक का नाम और पाने वाले का नाम एवं पता बहुत ही साफ और स्पष्ट होना चाहिए। प्रेषक यानी जिसे आप पत्र
जो पत्र लिख रहा है और पाने वाला यानी जिसे पत्र आप भेज रहे हैं उनका नाम पता, उन दोनों का ही नाम पता होना, स्पष्ट होना आवश्यक है। अगला है पद का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग, यानी कि आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसके पद का हमेशा ध्यान रखिए और ध्यान रखते हुए आप अपने मार्जित एवं शिष्ट भाषा का प्रयोग करिए ताकि उस पत्र पाने वाले व्यक्ति को उसके पद और उसके पद और का ध्यान रखते हुए यदि हम पत्र लिखेंगे तो हम हमारी भाषा खुद ही स्वयं ही शिष्ट हो जाएगी क्योंकि उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। फिर अगला है कि पत्र जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, पत्र हमेशा संक्षेप में लिखा गया होना चाहिए जिससे कि भाव स्पष्ट हो परंतु विस्तार में न होकर संक्षेप में हो ताकि व्यक्ति कम समय में आपके पत्र को पूरा कर सके, पढ़ सके। उसके बाद अगला है उसमें पत्र में लेखन जो है पत्र की जो लिखावट है वह सुंदर हो, स्पष्ट हो जिससे कि प्रथम दृष्टया व्यक्ति पढ़ सके और उसके प्रति वह उसका ध्यान आकर्षण हो सके। यदि लिखावट अच्छी होगी और स्पष्ट होगी तो खुद ब खुद पाठक उसे पढ़ेगा और पूरी रुचि के साथ पढ़ेगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि पत्र लेखन की लिखावट सुंदर हो और स्पष्ट हो। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र लेखन के पश्चात हमें उस पत्र को पढ़ अवश्य लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे आवश्यक बिंदु है। कई बार ऐसा होता है कि पत्र लिखे जाने के पश्चात उसमें कुछ परसर्ग छूट जाते हैं या भाषा की कोई गड़बड़ी हो जाती है या विराम चिन्ह भूल जाते हैं, विराम चिन्हों के न लगने पर उसका अर्थ बदल सकता है, बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें सबसे जरूरी बात यह है कि पत्र लेखन के पश्चात हमें अवश्य उसे पढ़ लेना चाहिए। अब आपको बताती हूँ कि पत्र के कितने प्रकार हैं। पत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र जो है इनको इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को जो पत्र दिए जाते हों ऐसे पत्र आते हैं। फिर से एक बार बताती हूँ कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र, दूसरा आवेदन पत्र, तीसरा सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय को जो पत्र दिए जाते हैं वे आते हैं। ये सभी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में दिए जाने वाले पत्र। अब कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र दिए जाते हैं वे सभी भी कार्यालयी पत्र के अंतर्गत यानी कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कार्यालय अपने अधीनस्थ विभागों को जो पत्र प्रेषित करता है वे सभी कार्यालयी यानी कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ये बता दूं कि इस कार्यालयी पत्र यानी कि औपचारिक पत्र में हम संबोधन, अभिवादन और समापन किस प्रकार करेंगे। इन कार्यालयी पत्रों का में हम संबोधन क्या करेंगे और अभिवादन कैसे करेंगे और अंत में पत्र का समापन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं संबंध, हम संबोधन कैसे करेंगे।
जैसे कि प्रार्थना पत्र यदि है तो हम संबोधन यदि हम विद्यालय के प्रधानाचार्य को करते हैं तो प्रधानाचार्य लिख के संबोधित करेंगे, या हम अगर किसी संपादक को पत्र लिखते हैं, जैसे किसी पत्र के समाचार पत्र को लिखते हैं तो वहाँ पे संपादक, या पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं तो पुस्तक विक्रेता, या अन्य वो अधिकारी को यदि लिखते हैं तो इस तरह से, जैसे कि प्रार्थना पत्र यदि लिखते हैं तो प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद और व्यावसायिक पत्र यदि लिखते हैं तो संपादक, पुस्तक विक्रेता या अन्य, और तीसरा है कार्यालयी पत्र, जिसमें भी जिसमें जो संबंधित अधिकारी हो, जैसे यदि आपको नगर निगम में लिखना है, यदि आपको जिलाधिकारी को लिखना है, यदि आपको किसी परिवहन अधिकारी को लिखना है या सड़क परिवहन अधिकारी को लिखना है, कहीं भी लिखना है, या जल निगम में लिखना, कहीं भी आपको लिखना है तो संबंधित अधिकारी के पद का आप उल्लेख करेंगे। उसके पश्चात अभी आपको जब अभिवादन इसमें करना होगा तो वो किस प्रकार करेंगे, अभिवादन करने के लिए हम उन्हें मान्यवर, महोदय और माननीय, इन तीन शब्दों का प्रयोग करेंगे। मान्यवर, महोदय एवं माननीय, इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यदि व्यावसायिक पत्र यदि हम लिखते हैं तो व्यावसायिक पत्र में हम अभिवादन के लिए श्रीमान और श्रीयुत शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि हम किसी व्यावसायिक पत्र को लिखते हैं तो हम श्रीमान और श्रीयुत शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात यदि हम कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो हम आदरणीय, महोदय या मान्यवर, इन तीन शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि हम किसी कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो आदरणीय, महोदय और मान्यवर शब्द का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अगर पत्र को, तो फिर अंत में हमें समापन पत्र का करना होगा। जब हम पत्र का समापन करते हैं तो प्रार्थना पत्र यदि हम लिखते हैं तो उसमें समापन करते वक्त हमें भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, आपका, आज्ञाकारी शिष्य आदि शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। फिर से बताती हूँ, यदि आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो समापन करने, पत्र का समापन करते समय हमें भवदीय, निवेदक, प्रार्थी और आपका आज्ञाकारी शिष्य, जहाँ जो संबंधित अधिकारी हो उसको, उसके लिए इस तरह का, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। उसके पश्चात यदि व्यावसायिक पत्र है और व्यावसायिक पत्र का यदि समापन करना है तो हम भवदीय और निवेदक, भवदीय और निवेदक शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि हम व्यावसायिक पत्र का समापन करना चाहते हैं तो हमें भवदीय शब्द का प्रयोग करना होगा या निवेदक शब्द का प्रयोग करना होगा। और अंत में कार्यालयी पत्र, कार्यालयी पत्र यदि हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें समापन करते समय प्रार्थी, विनीत और भवदीय, इन तीन शब्दों का प्रयोग करना होगा। प्रार्थी, भवदीय और विनीत, इन तीन शब्दों का प्रयोग करना होगा। फिर से एक बार आपको बताती हूँ, यदि हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, जैसे कि आपको यदि प्रधानाचार्य को लिखना होगा तो आप अभिवादन करते समय आप मान्यवर, महोदय और माननीय, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और पत्र का समापन करते समय आपको भवदीय, निवेदक, प्रार्थी और आपका आज्ञाकारी शिष्य, जहाँ जो उचित हो, इन चारों शब्दों में से किसी एक शब्द को चयनित करना होगा। अगला है आपका व्यावसायिक पत्र।
व्यवसायिक पत्र में यदि आप प्रारंभ में संबोधन करना चाहते हैं तो आपको संपादक, पुस्तक विक्रेता या अन्य इन शब्दों के प्रयोग से आपको अभी संबोधन करना होगा। यदि आप जैसे आप यदि किसी पत्र को लिख रहे हैं तो आप संपादक सेवा में संपादक महोदय ऐसे करके लिखेंगे, और यदि आप पुस्तक विक्रेता को लिख रहे हैं तो सेवा में पुस्तक विक्रेता करिएगा, और यदि अन्य किसी को कर रहे हैं तो संबंधित अधिकारी का नाम हम लेंगे। इसके पश्चात जब हम अभिवादन करेंगे तो श्रीमान और श्रीयुत शब्द का प्रयोग करेंगे, और अंत में पत्र के अंत में हम भवदीय और निवेदक में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। पत्र के अंत में हम भवदीय और निवेदक में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि कार्यालयी पत्र है तो संबंधित अधिकारी का पद हम लिखेंगे, जो भी अधिकारी उस विभाग का हो उस अधिकारी के नाम से पत्र लिखना है तो हम संबंधित अधिकारी का उल्लेख करेंगे। फिर संबोधन में अभिवादन में हम आदरणीय महोदय और मान्यवर, आदरणीय महोदय और मान्यवर में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, और अंत में हम प्रार्थी, विनीत और भवदीय नाम से पत्र को लिखेंगे। अब औपचारिक पत्र का एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, आपको एक औपचारिक पत्र का उदाहरण बताते हैं कि औपचारिक पत्र कैसे शुरू करेंगे। जैसे कि अगर ये पत्र का विषय है कि अपने क्षेत्र के डाकपाल को पत्र लिखें जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई हो, अपने क्षेत्र के डाकपाल को पत्र लिखें जिसमें मनी ऑर्डर प्राप्त न होने की शिकायत की गई हो, तो सबसे पहले हम पता, अपना जो प्रेषक का पता होगा उस पता को लिखेंगे। उस पता की अगर आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो आप परीक्षा भवन लिखेंगे पता की जगह, और नहीं तो आप अपने घर का पता भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कैसे इसको लिखेंगे यहाँ पे, और ये ध्यान देना होगा कि पत्र लिखते समय हम मार्जिन को सीधा लेके चलेंगे। हम जहाँ से पत्र शुरू करेंगे वहीं अंत तक खत्म करेंगे, उस पत्र में हमें कहीं भी आगे पीछे नहीं लेके चलना है। जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हम अगर यहाँ लिखते हैं परीक्षा भवन, तो आपको अगली लाइन भी वापस यही लिखना है। आप बाएं दाएं कहीं भी इधर उधर नहीं करेंगे। अगर आपको यहाँ लिखना है जैसे परीक्षा भवन तो नई दिल्ली, नई दिल्ली आपने लिखा, और उसके बाद आप तिथि लिखेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और जगह छोड़ के यहाँ पे आप तिथि जो भी मान लीजिए आज की तारीख लिखते हैं, आज की तारीख है, आज है 7 तारीख, तो 7, 8 और 20 ये हम आज की तारीख लिखेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात जो है अब हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ से पत्र लिखना शुरू करेंगे। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि पत्र लिखते समय हम ये जो लाइन है इस मार्जिन के उधर नहीं जाएंगे ना तो इधर आएंगे, उसको जहाँ से शुरू करेंगे अंत तक, आप पत्र का समापन तक जो है इस लाइन को इसी के अनुरूप लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पत्र हमेशा एक पन्ने पर ही लिखना चाहिए, हो सके तो
नहीं तो अगर बहुत ज़रूरत हुई तो दूसरे पेज पे जाना चाहिए। लेकिन ये याद रखना है कि शुरू से अंत तक आपका एक समानांतर में एक मार्जिन के पास में आपका पूरा होना चाहिए पद। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पहले हमने मुख्य बिंदु में बताया कि पत्र में प्रेषक और पाने वाले का पता, तो सबसे पहले हम प्रेषक जैसे हमें भेजना है, आप भेज रहे हैं, आपको अगर परीक्षा भवन में लिखना है तो परीक्षा भवन आप पता डाल दीजिए, स्थान का नाम डालिए, आप कोई भी बनारस, नई दिल्ली, आगरा, कानपुर कुछ भी लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर वहाँ पे आप तिथि लिखेंगे। तिथि लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, मान लीजिए डाक पाल को आपको दिया गया है कि डाक पाल को पत्र लिखें, तो डाक पाल को पत्र आप लिखेंगे। डाक पाल को पत्र लिखने के लिए आपको इस पत्र को लिखने के लिए आपको जैसे यहाँ पे आपने पता लिखा, ये याद रखिएगा कि ये लाइन हमेशा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे आपने लिखा परीक्षा भवन और उसके बाद नई दिल्ली आप लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, फिर आप यहाँ पे तिथि लिखेंगे। ये तिथि है मान लीजिए आज की तिथि 7/8/20, उसके बाद एक लाइन, फिर सेवा में मुख्य डाकपाल, यहाँ पे परीक्षा भवन आप लिखते हैं, फिर नई दिल्ली, नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर तिथि डालेंगे और तिथि डाल के सेवा में मुख्य डाकपाल, ठीक है। फिर आप इसके बाद स्थान डाल दीजिएगा कि कौन सा स्थान है, कहाँ से आप लिख रहे हैं, शेष हम अगली कक्षा में बताएंगे। फिर उसके पश्चात जो है यहाँ पे मुख्य डाकपाल, फिर स्थान लिखिएगा, जैसे कि ये नई दिल्ली आपने लिखा है तो यहाँ पे भी स्थान लिखेंगे, नई दिल्ली, नई दिल्ली, और उसके बाद आप जो है यहाँ पे अब एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आप विषय लिखेंगे, विषय जो संबंधित विषय जिस पे आपको पत्र लिखने को दिया गया है वह विषय लिखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए पत्र का विषय है कि मनी ऑर्डर प्राप्त न होने हेतु, तो आप लिखेंगे मनी ऑर्डर प्राप्त न होने के संबंध में, ये आपका पत्र का विषय हो गया। इस तरह से हम फिर एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे फिर महोदय, महोदय लिखेंगे और अब आप इस लाइन से पत्र लिखना शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे आप अगली लाइन पे लेके आएंगे। इस तरह से हम पत्र लेखन का कार्य करते हैं।